परेशानी हो रही है। कितने समय से ये परेशानी? ये हमारे को 10 साल से हो रही है, जब से हम रहने लगे जब से हो रही है। आप पानी... ये काट का पानी पी रहे हैं, आज बढ़ते हैं 3 दिन के बाद में छान के फिर पीते हैं। आपने वार्ड पार्षद को बोला था? लोकल विधायक वगैरह को उनको भी बोला था हमने, जाके भी आए थे। क्या कहूं, बोले कि आ रहे हैं हम तो देखेंगे, आएंगे और देखेंगे। अभी एक भी नहीं आया यहाँ पे। पहले आप किससे पानी पी रहे थे? इसी से पी रहे थे हम। इसके अलावा कोई नल वगैरह कुछ भी नहीं है? कोई पाइपलाइन वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं है हमारे मोहल्ले के अंदर। पानी की टंकी तो बनी हुई है? ये पानी की टंकी बनी हुई है, मगर खोलते नहीं है। बोले कि हमारे को ऑर्डर नहीं है आगे से। ठीक है, आपका नाम बताओ? आप संतोष राव। कितने समय से पानी पी रहे हो आप? सात साल हो गए। हाँ। तो आपने कभी पार्षद को, विधायक वगैरह को या जनप्रतिनिधि को? पार्षद ने पहल का 5 साल पहले जितया जरा तो बुलाया पहले जिर क्यों आपके रास्ता बना दिया मार 30 ट्रोली कांकरा रला दिया मार यहाँ रला दिया 30 कांकरी गुल को गए। तो हर बार जब चुनाव होते हैं लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जनता को वादे भी करते हैं, तो उन वादों पर किस तरह से पार्षद लोग खरे उतर रहे हैं? कहीं को खरिया कौन उतरिया मांगे तो बढ़ना वोट आया मांगा पहले की 9 नंबर में 9 वाला किया था वोट आएगा 7 में। अब 7 वाला तो कहे थे 9 वाला वोट दिया, 9 वाला कह रहे थे 7 में वोट दिया। तो मैं तो हाँ कोई सुनाई नहीं कर रहा। आपके यहाँ पानी के साथ साथ रोड की समस्या भी है? रोड की बहुत समस्या है। तो पार्षद क्या इन समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहे? ये ध्यान कौन दिया कहीं जी बेटा मेला साहब ने जा रहा है बेकी तो 7 दिन के माए माए रोड बन जाए बेकी को सुनाई कौन करे। ठीक है, आपका नाम बताओ? संतोष मेघवाल। सर हमारे पानी का है, पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और पानी के लिए हम लगभग 2 महीने पहले भी MLA साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी टूटी लगवा देंगे, वहाँ पे सरकारी नल लगवा देंगे, उससे आपकी सुविधा हो जाएगी, उसके बाद जब भी टंकी चालू होगी तो आपका पानी आ जाएगा। तो ना तो वो टूटी लगी है सर, नहीं लगी है सर टूटी। और एक प्राइवेट ट्यूबवेल चलती थी, वो बेचारे के पानी खत्म हो गया तो वो बंद कर दिया। अब मोहल्ले के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये। अभी आप लोग किससे पानी भर रहे हैं? ये हेडपम्प का पानी पी रहे हैं, इसमें पूरा काट आ रहा है। अच्छा, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। अब उनको डॉक्टर के दिखाएंगे, मजदूर लेवल के, यहाँ पूरा एरिया जो मजदूर लेवल का है, कोई पैसे वाली परम है नहीं, इसीलिए लोग सुनाई नहीं करते हैं। MLA साहब ने कहा था कि एक्शन आपके पास जाइएगा, वहाँ से आपको हम बात करवा देंगे, वहाँ से कोई बात जवाब नहीं आया हमारे पास। एक्शन साहब के पास 3 बार गए थे हम, आश्वासन मिला है सिर्फ। अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है, हमारे पानी चाहिए, हमारे को पानी चाहिए और रास्ते के लिए। नहीं तो यदि 3 दिन के अंदर हमारे को पानी नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे।